फ्रेंड्स, टीचर एम कृष्ण बागुल। डिफेंस वी आर थिंकिंग अबाउट पावर थिंकिंग। डिफेंस एक बड़ी इमारत के अहाते में बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर और चिड़िया का बसेरा था। एक दिन उस इमारत में आग लग गई। सारे लोग आग बुझाने में जुट गए। कोई फायर ब्रिगेड को फोन कर रहा था तो कोई आग पर पानी फेंक रहा था। दुखी होकर चिड़िया ने बंदर को से कहा, बंदर भाई, हम भी सालों से इस इमारत में बिल्डिंग में रह रहे रहे, हमें भी कुछ करना चाहिए। ये सुनते ही बंदर ठहाका मार के बोला, तू बित्ते भर की चिड़िया क्या करेगी, क्या कर सकती है, क्या इस इमारत की आग बुझा देगी? चिड़िया चुप रह गई। कुछ देर बाद चिड़िया ने पुनः अनुरोध किया, परंतु बंदर ने फिर मजाक उड़ा दिया। अब चिड़िया से रहा नहीं गया, पेड़ से उड़कर वह पास ही पानी एक छोटे से गड्ढे में गई और अपनी चोंच में पानी लाकर आग पर डाला। देर तक वह उस गड्ढे से पानी लाकर डालती रही। बंदर ये देखकर लगातार हंस रहा था। काफी देर बाद बहुत सारे लोगों के मिले जुले प्रयासों प्रयत्न से आग बुझ गई। चिड़िया के पेट पर लौटते ही बंदर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, अपनी दो इंच चोंच की से पानी डालकर आग तुमने बुझाई है? चिड़िया ने तिरस्कार से बंदर को कहा देखा और जवाब दिया, सुनो बंदर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी चोंच का साइज क्या है, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस आग को बुझाने में मेरा कितना योगदान था, लेकिन तुम ये हमेशा याद रखना, जिस दिन इस इमारत में आग लगने और बुझने का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में नहीं आएगा और तुम्हारा नाम आग बुझाने वालों में आएगा और तुम्हारा नाम किनारे बैठकर हंसने वाले लोग वालों में। डिफेंस एक कहानी बहुत क्रांतिकारक है, हमें सिखाती है कि ये सच है कि हमारे सबकी कैपेबिलिटी अलग है, परिस्थिति अलग है, योग्यताएं अलग है, या यूं कह ले कि हम सबकी सोच विचार का साइज अलग है। हमें यकीन से कह सकते हैं इस बात पर फर्क नहीं पड़ता कि हमारी सोच का साइज क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने उतना प्रयत्न किया या अथवा नहीं। फ्रेंड्स, जितना हम कर सकते थे हमने उतनी ताकत झोंकी या नहीं, जितने हम झोंक सकते थे हम अपनी पूरी कैपेबिलिटी से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं या नहीं। हमारे भीतर उस चिड़िया जैसे व्यवहार करने की एबिलिटी है होनी चाहिए, जो बंदर को अनसुना करके सही कार्य में डटी रही। चिड़िया ने जब आग बुझाने का मन बना लिया तो यह नहीं सोचा कि वो कितना योगदान दे पाएगी, वो पूरी लगन से कार्य में जुटी रही। फ्रेंड्स, क्या हम इसी तरह अपने कार्य में जुटे रह सकते हैं? क्या हम निंदकों और विरोधों को अनसुना कर सकते हैं? यदि हम तमाम इस कार्य करते हुए पूरी शिद्दत के साथ कर सकते हैं तो एक दिन हमारी विजय निश्चित है। डेफिनेटली वी कैन विन। हमें जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी दोस्तों। जीवन में किसी भी प्रकार की बहानेबाजी या दोषारोपण के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति दूसरों को बदलना चाहता है और यही समस्या का आधार है, प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, क्योंकि दूसरों को बदलने की बजाय हम सब अपनी जिम्मेदारी ले ले तो क्या नहीं हो सकता? पावर थिंकिंग में हर परिवर्तन की शुरुआत खुद से होती है। स्वयं की संपूर्ण जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पावर थिंकिंग का आधार है। अपनी थॉट्स, अपने विचार की साइज की चिंता छोड़िए, अपनी पूरी ताकत से सपनों को पाने में दिशा में जुट जाइए। जब आप जिंदगी के किसी पहलू पर पूरे समर्पण कंट्रोल के साथ ताकत झोंक कर उतनी कोशिश कर लेते हैं जितनी आपके भीतर एबिलिटी है, क्षमता है, तो असफलता हाथ लगने पर भी आपके दिल में मलिल नहीं रहता। आपको इस बात का संतोष रहता है
कि आपने पूरी ताकत झोंकी थी। इस वक्त आपको स्वयं पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न करना है कि आप जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में उतनी मेहनत कर रहे हैं या नहीं जितनी आपके भीतर कैपेबिलिटी एबिलिटी है। दोस्तों डिफेंस इसलिए पावर थिंकिंग बहुत आवश्यक है। डिफेंस सोचना, योजना बनाना, सफलता की उम्मीद रखना, पूरी ताकत से कार्य करना और किए गए कार्य की जिम्मेदारी लेना सफलता के चरण है। अफसोस ये कि दुनिया में अधिकांश लोग आखिरी दो चरणों पर कार्य नहीं करते। डिफेंस हमें हमेशा पॉजिटिव थिंक करना है और पॉजिटिव ही रहना है क्योंकि हमें जिंदगी में जीतना है। डिफेंस व्यक्ति अपने विचारों का परिमाण होता है, जो वह सोचता है वही बन जाता है। लोगों की सोच का छोटा सा फर्क परिणामों से बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। वो फर्क है नजरिए का। यदि आप सोचते हैं कि आप अमुक कार्य कर सकते हैं तो आप सही है, यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही है। ये बेहद जरूरी है कि आप अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहे। जब आप अच्छा सोचते हैं तो वह तरंगे ब्रह्मांड में फैलती है और इच्छित चीज़ों को अपनी ओर खींचते हैं। सिर्फ सोच ही इतनी शक्तिशाली होती है दोस्तों, जो सही और गलत में भेद कर सकती है, जो व्यक्ति को ऊपर उठा सकती है और नीचे गिरा भी सकती है। सो फ्रेंड्स, अच्छे थॉट्स करते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।